अशोक जी, जो बात अभी राकेश जी ने कही उसी से का थोड़ा सा आगे बढ़ाएं कि अभी इस देश के अंदर जुडिशियरी को लेके एक सम्मान है, लेकिन पिछले 9 सालों के अंदर ये देखने में आया कि जुडिशियरी ने अपनी गरिमा को बहुत खोया है और हालत यहां तक पहुंच गए थे कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ी, जो हमारे ख्याल से हिंदुस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में एक अपने आप एक चमत्कार था। और वो उन्होंने न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बल्कि ये कहते हुए सुने गए कि आज से 20 साल के बाद अगर हमारे परिवार के लोग अगर ये कहें कि जब लोकतंत्र का हरण हो रहा था तो हम चुप क्यों बैठे थे, जब वो इस हद तक पहुंच जाए तो उसका मतलब यह कि जुडिशियरी में सब कुछ ठीक नहीं था। तो क्या उस जुडिशियरी को आज की तारीख में जब चंद्रचूड़ आए हैं उनके बारे में कहा जाता है वो थोड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प है, तो कहीं कुछ इन दोनों के बीच में कोई रेखा है कि जहां ऐसे ऐसे चीफ जस्टिस हुए जिनके खिलाफ महाभियोग की कोशिश भी की गई, जिनके बारे में कहा गया कि तो सरकार के पक्ष में फैसले करवा रहे हैं, रोस्टर सिस्टम बदलवा रहे हैं और जो सरकार से जुड़े हुए मामले हैं वो उन्हीं बेंचेस के पास जा रहे हैं जहां पे कि फेवरेबल फैसले हो रहे हो, तो ये कन्फ्रंटेशन जो हुआ वो भी उसमें भी एक डिजाइन दिखाई पड़ता है और जो हटाया जा रहा उसमें भी डिजाइन दिखाई पड़ता है, ऐसा है क्या? देखिए, आपका जो असेसमेंट है बिल्कुल सही है कि पिछले एक दशक में जो जुडिशरी का परसेप्शन है, जजेस का परसेप्शन है, इट्स डेफिनेटली टेकन अ बीटिंग। कई मामले हुए हैं, आपने जो रेबेलियन वाली बात उठाई कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ रेबेलियन कर दिया, और स्पेशली इस चीज को लेके कि जिस तरह से केसेस का बंटवारा हो रहा है वो गलत है, कुछ इंपॉर्टेंट मामले हैं वो जूनियर जजेस को मार्क हो रहे हैं। इसके अलावा एक और इंसिडेंट था जस्टिस दिनाकरन का, जो कलकत्ता के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने तो सीधा आरोप लगा दिया 7 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे। फिर उसके अलावा 2 और चीज़ें ऐसी सामने आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले भी उठे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला उठा। तो ये सारी चीज़ें पिछले एक दशक में हुई है, इससे पहले कभी इस तरह की चीज़ें हमने ना सुनी थी और ना सुनेंगे। लेकिन पिछला जो 10 साल है वो जुडिशरी की इमेज में एक डेफिनेटली डिप आया है। डिप आने के बावजूद भी जो जजेस की इंडिविजुअल इंटीग्रिटी है या इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी, जो कंबाइंड इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी है, वो अभी भी बरकरार है। अभी भी लोगों के मन में आस्था है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनको न्याय मिलेगा। वो इंटीग्रिटी में लॉस अभी नहीं हुआ है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि जिस दिन इस इंस्टीट्यूशन कलेक्टिवली इसकी इंटीग्रिटी में कुछ गिरावट होगी तो दैट विल बी द सैडेस्ट डे फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। एंड देयर इज वन मोर थिंग कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में जो खींचातनी, जो टसल, जो फ्रिक्शन है वो हमेशा रहनी चाहिए। जुडिशरी कैन नॉट बी सीन टू बी कंप्लायंट एंड एग्रींग विद एवरीथिंग दैट द एग्जीक्यूटिव सेज एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह का तनाव एक कंस्ट्रक्टिव तनाव होता है जिसका देश निर्माण में बड़ा सहायता मिलती है। अब जहां तक हमारे कानून मंत्री का सवाल है, किरण रिजिजू का, इन्होंने पिछले एक साल में इनकी भूमिका क्या रही है अगर हम एग्जामिन करें क्रिटिकली, तो इनकी भूमिका पब्लिक डोमेन में सिर्फ ये रही है कि जजेस को और जो इंस्टीट्यूशन है, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको अटैक किया है इन्होंने। उसके अलावा कोई भी चीज इनके खाते में नहीं जाती है। तो मैं जो पैनलिस्ट की जो अपनी अपनी इंडिविजुअल राय है, मैं उससे सहमत हूँ कि पॉसिबली जो रिजिजू को हटाया गया है वो पॉसिबली भारत सरकार एक मैसेज देना चाह रही है जुडिशरी को, हायर जुडिशरी को, कि देखिए हम आपके साथ मधुर संबंध रखना चाहते हैं, जो भी हुआ हमारे बीच में पिछले एक साल में उसको हम दरकिनार रख देते हैं और अब से हमारे जो संबंध हैं मधुर रहेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे,
हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप भी हमारी बात सुने। और जो द्विवेदी जी ने बात उठाई थी कि अभी भी बहुत क्रूशल मैटर्स हैं जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने एंड दैट कुड हैव अ बेयरिंग ऑन द फ्यूचर इलेक्शंस आल्सो, उन्होंने कहा अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाला मामला, आर्टिकल 370 वाला मामला, सेम सेक्स मैरिजेस का मामला, ये अभी भी मुकदमे पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट एक एडवर्स व्यू लेती है जो भारत सरकार के अगेंस्ट है, तो एक परसेप्शन भारत सरकार के खिलाफ जरूर जाएगा। बिल्कुल विनोद जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, अमर उजाला के कंसल्टिंग एडिटर है। विनोद जी, जो पिछले दिनों कोशिश दिखाई पड़ रही थी वो ये दिखाई पड़ रही थी कि सरकार के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो खिलाफ ना जाए, जिस तरीके से एनजेएसी के सवाल पे वाइस प्रेसिडेंट ने जाके जो टिप्पणी की और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की बात की, और उसके बाद भी लगातार ये इंप्रेशन जाता रहा कि हम लोग तो चुन कर आते हैं और जजेस तो चुन कर नहीं आते हैं और वो अपने ही लोगों को चुनते हैं, तो कोशिश ये थी कि जुडिशरी को सबॉर्डिनेट किया जाए। तो क्या ये माना जाए कि ये जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में सरकार को जो है वो दरअसल झुकना पड़ गया है, और ये झुकाव जो क्या दर्शाता है? क्या सरकार आज की तारीख में पॉलिटिकली कमजोर दिखाई पड़ रही है, या उसको अपनी कमजोरी का एहसास हो गया कि वो वल्नरेबल है? देखिए, मैंने तीनों पैनलिस्टों को सुना, कुछ बीच में मेरा संपर्क टूट गया था, थोड़ा देर से मैं जुड़ा, लेकिन जितना मैं समझ पाया सुन पाया तो मैं उन सबकी बातों से काफी हद तक सहमत हूँ। दरअसल जुडिशरी यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है मौजूदा, इनके बीच शक्ति परीक्षण और सत्ता का ये तनातनी जो है ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा चलती रहती है। और जब सरकार कमजोर होती है तो जुडिशरी हावी होती है, और जब सरकार ताकतवर होती है तो जुडिशरी थोड़ा सा डिफेंसिव बचाव की मुद्रा में आ जाती है। इंदिरा गांधी के जमाने में सरकार ताकतवर थी, सब हम लोग सारा देख चुके हैं। एक जगमोहन लाल सिन्हा को लोग याद करते हैं कि उनके अंदर हिम्मत थी, एक फैसला दे दिया उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ। आज हमें नहीं लगता कोई जज इतनी हिम्मत जुटा पाएगा कि अगर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई मामला हो तो शायद फैसला दे दें। पता नहीं, कोई अगर हो देश में तो होगा, तो हम सलाम करेंगे उसको, जो माहौल है। और क्योंकि कई सारे ऐसे मामले हम लोगों ने देखे, आज तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है जब पता लगा कि फैसला आता है एक सरकार के मामले में कि सरकार का गठन अवैधानिक तरीके से हुआ लेकिन सरकार चलती रही। महाराष्ट्र वाले मामले में तो बड़ी विचित्र स्थिति है ना, मैं तो खैर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ जो इसका लीगलिटी, कि जब राज्यपाल ने फैसला शपथ कराई तो वो तरीका गलत था, वो कानूनी नहीं था। तो जब बुनियादी कानूनी नहीं है तो सरकार, लेकिन सरकार चल रही है। तो इस सब तरह के फैसलों से थोड़ा सा समझ में आता है कहीं ना कहीं जो रस्सा कसी और एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने का, ये जो एक लोकतांत्रिक देश में जगह जगह होता है वो हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो ताजा मामला है कानून मंत्री जी का, कानून मंत्री जी जैसा हम सब जानते हैं पिछले लगभग 1.5 साल से बिल्कुल मुखर होकर के जुडिशरी से मोर्चा ले रहे थे। अब वो अपने तय ले रहे थे या ऊपर से उनको कहा गया था, क्या कहा था वो जाने, वो कौन जाने। लेकिन जिस तरह का माहौल, जिस तरह की सत्ता है, जिस तरह की मजबूत सरकार है, ऐसे में कोई मंत्री अपने बिना पर जुडिशरी जैसी महत्वपूर्ण संस्था जो देश की जो न्यायपालिका और जो है संविधान और विधान पालिका और कार्यपालिका में से एक है स्तंभ, उस पर एकदम से हमला और होगा, ये बड़ा अजीब सा लगता है। अगर वो अपने बिना पर कर रहे थे तो, और अगर उनको कोई इस तरह का टास्क दिया गया हो या कहा गया हो करो तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से वो कर रहे थे वो निश्चित रूप से सरकार को असहज कर रहा था हाल में। पहले तो उसको लेके आप याद करिए, सिर्फ जब कानून मंत्री जी कुछ बोलते थे तो फिर सरकार के सब के तमाम कुछ सांसद भी, कुछ और समर्थक वर्ग से इस तरह की आवाजें आती थी और उनके समर्थन में एक थोड़ा सा चीयर भी किया जाता था किरण रिजिजू साहब, यहाँ तक कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बनने के बाद हाँ, जिस तरीके और टिप्पणियां जुडिशरी पे की है वो वाकई में बहुत, मतलब एक तरीके सारी मर्यादाओं को तार-तार करने की। उपराष्ट्रपति महोदय ने तो सीधे सीधे एकदम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करके संविधान का जो बेसिक जो मूल सिद्धांत है न्यायपालिका कार्यपालिका और उनकी क्या कहते हैं विधायिका का, कि तीनों जो है संप्रभु अपने अपने मामलों में ऑटोनोमस होंगे, स्वायत्त होंगे, उसी पर उन्होंने खड़ा कर दिया। अभी बात हो रही थी चार जजों ने साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा रिबेलियन हुआ, उन्हीं में से एक जज जो है चीफ जस्टिस भी बने, बाद में उनको राज्यसभा भी मिली, तो ये भी बहुत कुछ तस्वीर को साफ करता है।
दिनेश जी और संजय राकेश जी है यहाँ पर, ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं उस पर। उस समय तो बड़े रेबेलियन थे वो, लेकिन बाद में जब वो खुद चीफ जस्टिस बने तो सारा उनका पूरा यही बदल गया। खैर वो एक अलग, ये जो मामला है मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह कोलोजियम को लेकर के और सिस्टम को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक टकराव चल रहा था, एक मत विभिन्नता थी जो कई बार सार्वजनिक मंच पर चीफ जस्टिस के बयान से और विधि मंत्री के बयान से सामने आई। और ये मतलब रिजिजू को पहले आप याद करिए, रविशंकर जी जब लामंत्री थे, विधि मंत्री थे, तब भी इस तरह की बयानबाजियां हुई थी। तो इसका मतलब खाली रिजिजू इंडिविजुअल लेवल पे ये बात नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार की सोच थी कि कोलिजियम सिस्टम को बदल करके और जजेस के अपॉइंटमेंट में अपनी दखल को बढ़ा करके किसी तरह से जुडिशरी को जो है उस पर एक प्रभाव अपना बने, जिसका विरोध हो रहा था और उसका विरोध विपक्ष भी कर रहा था, और वो विपक्ष के वो सांसद वो भी कर रहे थे जो जो, जो खुद कोलिजियम सिस्टम के विरोधी थे, यानी कपिल सिब्बल जैसे लोग जो एक जमाने में कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ थे, लेकिन इस समय जब मामला चला तो वो बिल्कुल वो भी न्यायपालिका के साथ खड़े थे। तो इस तरह से ये टकराव चल ही रहा था। अभी बात की परसेप्शन की, आम जनता में जैसा कि अभी राकेश जी ने कहा या दिनेश जी और हमारे तीसरे जो पैनल सभी ने कहा कि आम जनता का अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक विश्वास है, अभी वो विश्वास कमजोर भले हुआ हो या थोड़ा बहुत उसमें किंतु परंतु लगे हो, लेकिन टूटा नहीं है भरोसा उसका। और इसीलिए कोई भी मामला होता है तो एकदम से ये होता है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसको देखे, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच करा दीजिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट सरकार ऐसा कोई फैसला देता है जो उससे सरकार असहज होती है, तो निश्चित रूप से सरकार को लेकर के लोगों में एक धारणा बदलती है, धारणा बिगड़ती है। याद कीजिए यूपीए की सरकार तो कोर्ट के कारण ही चली गई जी जी, वो सारे मामले जो है मतलब एक कानून मंत्री अगर सीबीआई डायरेक्टर को बुला के एफिडेविट देख लेता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को जो है केस पैरेट बोलता है और उसके बाद अश्विनी कुमार का इस्तीफा हो जाता है। तो आप सोचिए कि उस वक्त उस सरकार की क्या स्थिति थी कि एक एक मंत्री के रिश्तेदार अगर जो है उनका ऑडियो लीक होता है तो वो मामला आ जाता है, उसके बाद सरकार मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। हर कदम कदम पे तत्कालीन सरकार के खिलाफ जो है जिस तरह अदालतों के फैसले आए, अदालतों के आदेश आए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, अब 2G में पूरे के पूरे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, उसके सारी चीजें मतलब उसकी मेरिट को लेकर के भी बहुत सारे बहस हुई सवाल। लेकिन सरकार यूपीए की अगर बदनाम हुई, अगर उस सरकार को लेकर धारणा बनेगी सरकार बिल्कुल भ्रष्ट है, इस सरकार को कोई काम नहीं हो रहा, कोई निर्णय नहीं हो रहा, तो अदालत का उसकी बड़ी भूमिका थी, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी भूमिका थी उसके फैसलों के द्वारा। एक छोटा सा सवाल आशोष, ये एक लाइन में ये मौजूदा सरकार चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 8-10 महीने बाद चुनाव बोर्ड में पूरा देश चला जाएगा, और ऐसे में अगर कुछ ऐसे फैसले आते हैं जिनसे सरकार केंद्र सरकार असहज हो, उसकी छवि पर असर पड़े और जो बड़े बड़े फैसले भी आने हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए दिक्कत होगी। और इसीलिए किरण रिजिजू साहब के जरिए एक मैसेज दिया गया जुडिशरी को कि भाई हम आपके खिलाफ उस तरह नहीं है, आप एक अंग है व्यवस्था का, एक अंग हम है, तो हम आप एक जो सामंजस्य और सहयोग होता है उसके मिलकर काम करें, ठीक है आपने फैसले दीजिए हम अपना काम करेंगे। और उसकी बाधा सबसे बड़ी अगर सुप्रीम कोर्ट की नजर में किरण रिजिजू थे उनको हटा दिया गया, और ऐसा होता है अक्सर कि आप अपने किसी गार्ड को चौकीदारी में लगा दीजिए कि जो आए उसे घुसने मत देना, अब पता लगा कोई आपका परिचित आ गया और गार्ड ने उसके साथ भी मिसबिहेव कर दिया तो आप उस गार्ड को हटा ही दोगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हमारे अपने वो है। तो है। इस तरह के तो जो बीच में किरण रिजिजू साहब जो है मुझे लगता है ओवरबोर्ड हो गए थे और उस ओवरबोर्ड होने का उनको जो है खामियाजा भुगतना। बिल्कुल, बट दिनेश जी एक छोटा सवाल मेरे पास है और मैं चाहूंगा कि हमारे सारे पैनलिस्ट इस पे थोड़ा सा रिएक्ट करें, लेकिन बहुत छोटा सा जवाब रखें क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। एक तो ये कि जिस तरीके से लॉ कानून मंत्री के पद पर पहले या तो बहुत ही एमिनेंट लॉयर कानून मंत्री हुआ करते थे या पोलिटिकल हैवी वेट हुआ करते थे, ये कम से कम किरण रिजिजू और उनके बाद अर्जुन मेघवाल एक उस तरीके के पोलिटिकल हैवी वेट नहीं है, तो ये इसको आप किस नजर से देखेंगे? देखिए मैं तो राजनीतिक नजर से देखता हूं क्योंकि राजनीतिक पत्रकार हूं। अर्जुन मेघवाल राजस्थान से आते हैं, दलित समुदाय से हैं, उनको कानून मंत्री बना करके उनका एलिवेशन करके तो एक चुनावी लाभ भी इसमें कैबिनेट रैंक दे करके उनको, हाँ उसमें इसमें एक चुनावी लाभ भी है, इसमें एक चुनावी लाभ भी है आशुतोष जी कि राजस्थान में चुनाव होने हैं विधानसभा के,
जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया जा चुका है, अर्जुन मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया गया, तो और उधर राजस्थान में भी तमाम फेरबदल हुए हैं बीजेपी में, तो ये एक उसका भी एक हिस्सा है, कवायद है कि भाई रिजिजू को हटाना ही था, उनको हटा दिया, नॉर्थ ईस्ट में कोई चुनाव नहीं होने तो उससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ना है, और राजस्थान में चुनाव होने तो अर्जुन मेघवाल को वो कर दो, न्यायपालिका को भी संदेश चला गया कि भाई हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है, आप अपने हिसाब से काम करिए, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। और इधर एक पॉलिटिकल स्कोर भी सेटल कर लिया गया कि एक दलित नेता को जो है मंत्री बना के राजस्थान के लोगों को मैसेज दिया गया, तो जाहिर है सरकार ने दोनों तरह से काम किया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।